बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की जो पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स में, जो आज की पर्सनालिटी है दैट इज इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द का कंप्लीट नेम अबुल वलीद इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने रुश्द था, और उसको इन शॉर्ट जो इसका लास्ट नेम है इब्ने रुश्द, उसी के नाम से जाना जाता है। और यूरोपियन इब्ने रुश्द को एवरोस के नाम से जो है वो जानते हैं। इब्ने रुश्द बेसिकली कॉर्डोबा जो है स्पेन में उसकी जो बर्थ प्लेस है वो स्पेनिश उसकी नेशनलिटी थी, और वो कॉर्डोबा में जो है वो पैदा हुआ इन 1126 में, और इसने वहाँ लॉ की एजुकेशन हासिल की। और जैसा कि उस ज़माने में एजुकेशन एक लिमिटेड नहीं थी, किसी एक ख़ास फील्ड में नहीं हुआ करती थी, और वो जितनी भी फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज थी या वो जानना चाहता था या वर्क करना चाहता था उसके फुल लिबर्टी थी, और उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी। लिहाजा उसकी जो सबसे बड़ी जो फील्ड है वो मेडिसिन और फिलॉसफी है। फिलॉसफी में जो इब्ने रुश्द था वो जो ग्रीक अरिस्टोटल यानी जिसे हम अरस्तु कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, उसकी बहुत सारी बातों से वह एग्री करता था। लेट सपोज अरिस्टोटल कहता था कि दुनिया हमेशा से कायम है, इब्ने रुश्द भी उसकी इस बात से एग्री था कि दुनिया हमेशा से कायम है। और जितना भी इब्ने अरिस्टोटल का जो वर्क था सोशल साइंस में उसको उसने फर्दर जो एलोब्रेट किया विद इस्लामिक कंसेप्ट के साथ, और उसको जो है वो एलोब्रेट किया, एक्सपेंड किया और डिवाइड डिफाइन किया विद द इस्लामिक थॉट के साथ। और उसकी इसने और उसने बहुत सारी ग्रीक बुक्स को ट्रांसलेट किया अरबिक में। इस तरह से जो ग्रीक फिलॉसफी थी वो अरबी में ट्रांसलेट हुई, और उसके इस काम को यूरोपियन एक फिलोसोफर था रेनेसेंस, उसने इसके इब्ने रुश्द के जो काम था उसको यूज़ किया और फर्दर उस पर आगे वर्क किया। हमारे आज के लेक्चर की जो सेकंड पर्सनालिटी है दैट इज इब्ने सीना, ये मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसोफर और बहुत सारे इसके जो अचीवमेंट हैं में एक बहुत बड़ा नाम है इब्ने सीना का, वेस्ट में इसको एविसीना कहते हैं। और इसकी इब्ने सीना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका वर्क को काउंट करना शुरू करें तो बहुत बड़ा इसका जो काम है वो बहुत बड़ा है, यानी एक बहुत बड़े नामों में से एक नाम इब्ने सीना का है। इब्ने सीना जो है वो पाशिया में पैदा हुए, और इब्ने सीना उज़्बेकिस्तान के शहर अफशोना में पैदा हुआ 980 में, और 1037 में पर्शिया के शहर हमदान में उसकी डेथ हुई। बू अली सीना के जो फादर थे इस्माइली फिरके से थे, उन्होंने इन्हें इसी की तरफ रागब किया। बचपन ही से वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और उन्होंने अपने जो उस वक्त इसके जो टीचर थे या मास्टर उस्ताद थे उनसे उन्होंने लॉजिक में बहुत इंटरेस्ट लिया, लॉजिक सीखी, और जस्ट इन दी एज वो हाफिज कुरान हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जस्ट इन द एज ऑफ 8 जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, और कुरान एक जो है वो हनफी आलिम से उन्होंने हिफ्ज़ किया। इस तरह उनका जो एक ट्रेंड था वो हर किसी से जिससे जो नॉलेज मिलती वो उससे नॉलेज लेते। मैथमेटिक्स उन्होंने
प्योर जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनसे उन्होंने मैथमेटिक्स सीखी, और इसी तरह जो इनको नॉलेज मिलती, जहाँ से नॉलेज मिलती, वो किसी और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो कॉमन लोगों से उनको जो नॉलेज मिलती थी उनसे ज़्यादा वो नॉलेज लेते थे। बट एट द एज ऑफ 18 उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं। इब्न सीना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, थिंकर एंड राइटर ऑफ द गोल्डन एज और द मुस्लिम गोल्डन एज। वो पीरियड जो मुस्लिम टाइम का गोल्डन एज कहलाता है, उस वक्त पे ये फिलोसफर, थिंकर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर और राइटर कहलाते थे। इन्होंने अपनी हर फील्ड में जो है वर्क किया, म्यूजिक और पोइट्री में वर्क किया, फिजिक्स में वर्क किया, मैथमेटिक्स में ऐसे रूल्स बनाए जो बेस बने। इनकी जो सबसे बड़ी जो एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है वो मेडिसिन में है, और इनकी बुक अरबू अली सीना की बुक कैनन ऑफ मेडिसिन यानी अल कानून अल शिफा, इतनी रिमार्केबल बुक थी कि उन्होंने इस बुक को 1650 तक जो है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता रहा, और वो लाजमी और बेसिक बुक थी जिसको मेडिसिन की एजुकेशन के लिए लाजमी था कि अबू अली सीना की इस बुक यानी कैनन ऑफ मेडिसिन को ज़रूर पढ़े। उसकी और अबू अली सीना ने अपने वक्त में जो एक रिमार्केबल वर्क था, बहुत सारे वर्क में से एक ऐसा वर्क था जो कि आजकल हमारे हमें उससे वास्ता पड़ रहा है, सामना फेस कर रहे हैं, वो पैंडमिक यानी वबा को हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो फर्स्ट टाइम अबू अली सीना ने अपने वक्त में क्वारंटाइन का कंसेप्ट दिया कि जब किसी पैंडमिक या वबा फैलती है तो लाजमी तौर पे पेशेंट और लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जिसकी वजह से पैंडमिक को जो है वो क्योर हो, लोग जो हैं पैंडमिक से बच सकते हैं। तो अबू अली सीना ने अपने ज़माने में क्वारंटाइन का कंसेप्ट दिया, और उस वक्त इत्तेफाक किया कि उस वक्त के रूलर की बेटी जो है बहुत सख्त बीमार हो गई, और तमाम जो उस वक्त के बेहतरीन और डॉक्टर्स थे वो उसके इलाज करने में नाकाम रहे। तो अबू अली सीना ने उसका इलाज किया और वो हील अप हो गई, सेहत याब हो गई। रूलर उससे बहुत खुश हुआ और उनसे कहा जैसे वो दूँ, यानी जितना बड़ा उन्होंने काम किया उसकी रूलर की बेटी का इलाज किया तो बहुत खुश था। तो अबू अली सीना ने कहा कि मुझे आपकी जो लाइब्रेरी है उस तक जो है वो एक्सेस दे दिया जाए, बस ये मेरी जो है वो फीस है। क्योंकि अबू अली सीना को पता था कि इस रूलर की लाइब्रेरी में बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो अबू अली सीना ने उस रूलर की जो लाइब्रेरी थी वहाँ तक एक्सेस ले लिया। इसके अलावा अबू अली सीना जो अपने जो ग्रीक थिंकर है, ग्रीक फिलासफर है एरिस्टोटल, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। उसकी बहुत सारी जो थ्यूरीज थी उससे जो एग्री करता था, जिसमें अबू अली सीना का जो जो लाइफ और डेथ और एग्जिस्टेंस का जो कंसेप्ट था, अबू अली सीना ने एरिस्टोटल के तमाम कंसेप्ट को, यानी वो इस बात से इंस्पायर था कि वो ये भी चाहता था कि जिस तरह से किसी भी टॉपिक को ग्रीक सोचते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम भी उसी तरीके से चीज़ों को, इस दुनिया को, इस नेचर को उसी साइड से, उसी सेंस से देखें जिस तरह से ग्रीक सोच देखते हैं और सोचते हैं। बट डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जब वो रिजल्ट निकालते थे यानी अबू अली सीना, तो उसको इस्लामिक थॉट के साथ प्रूव करते थे। इसी तरह बहुत सारी ऐसी यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मैटर का एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो ग्रीक जिस तरह से इसको एक्सप्लेन करते थे, उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए अबू अली सीना ने
अल्लाह ताला के वजूद को जो है वो प्रूव किया कि ये जो एग्जिस्टेंस है यानी हमारा और सोल यानी वो चीज़ जो हम इस बॉडी को मूव कर रही है, इस बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको क्रिएट करने के लिए एक ऐसी पावर या एक ऐसी आप कह लें कि हस्ती की ज़रूरत थी जो कि टाइम एग्जिस्टेंस और ये जो हमारी बॉडी है वो इस तमाम चीज़ों से जो आज़ाद हो, तब तो वो जाके इन सारी चीज़ों को बना सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से ग्रीक की जितनी भी थॉट थी उसको अबू अली सीना ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव किया और बेसिकली ज़्यादातर उसकी थिंकिंग ये थी कि अल्लाह ताला ने किस तरह से पूरी यूनिवर्स को बनाया, इंसान को बनाया और अल्लाह के प्रूफ, अल्लाह का जो प्रूफ होने को था उसने तमाम चीज़ों के जरिए अल्लाह को प्रूफ किया जो साइंस और लॉजिक के थ्रू प्रूफ की जा सकती थी। और तमाम साइंटिस्ट या बड़ी पर्सनालिटी इसी तरह इसने भी ट्रैवल किया जैसे वो ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करने का मैंने क्या बताया था उससे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती थी। जैसे मैंने बताया कि इसने मैथमेटिक्स भी इंडियंस से सीखा, मर्चेंट्स जो होते थे उनसे मैथमेटिक्स सीखा और उसको जो जहाँ पे अपने ट्रैवलिंग के दौरान जो लोग मिला करते थे उनसे नॉलेज देते थे। इस तरह वो पर्शिया के बहुत बड़े एरिया में उसने जो ट्रैवलिंग की और अबू अली सीना की जो डेथ है वो हमदान में 1037 में हुई। इस तरह मुस्लिम गोल्डन एज की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी यानी अबू अली सीना का जो वर्क है वो रिमार्केबल वर्क है और हम उसकी जितनी वर्किंग है उस पर बहुत मुश्किल है कि एक छोटे लेक्चर या इवन सो मैनी डेज में उसको हम कवर कर सकें। तो आज के हम लेक्चर में हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री अबू अली सीना की दी और हमने उसकी जो कुछ सिग्निफिकेंट या अचीवमेंट थी अबू अली सीना की वो हमने कवर की। इस तरह आज के लेक्चर में हमने दो बड़ी पर्सनालिटीज़ मुस्लिम गोल्डन एज की यानी इब्ने रुश्द और अबू अली सीना को कवर किया।